अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरियाद करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझको ख़ास बंदा बनाया है और नबी बनाकर भेजा है, तो मेरे लिए ख़ास ज़िक्र बता जो मैं तेरे लिए करूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह ये ज़िक्र तो मेरे उम्मत के तमाम अफराद करते हैं, कोई अलग बता, कोई ख़ास बता। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त कहते हैं, मूसा ये जो ज़िक्र है तराजू लिया जाए, एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए और एक जगह पर तमाम कायनात को रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो ज़िक्र है वो भारी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इस ज़िक्र में वज़न रखी है, बरकतें रखी है। आकायदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा दिन या रात में कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में से गुनाहों को मिटा देता है और वहाँ पर नेकियाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों, कितना प्यारा ज़िक्र है, हमको ज़रूर ये ज़िक्र करना चाहिए। मा अस्सलाम।